आइए आज हम बनाते हैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पराठा जिसको कभी हमने इमेजिन नहीं किया होगा। यस, मैं बात कर रही हूँ नवाबी पराठे की। नवाबी पराठा, जैसा कि आप नाम से सोच रहे हैं कि ये क्या है, यस इट्स अ ड्राई फ्रूट पराठा जो आज हम बनाते हैं। सबसे पहले हमें आपको उसका बता देती हूँ डो का प्रोसेस मैंने क्या किया है। सबसे पहले हम 1 कप ऑफ व्हीट फ्लावर ले रहे हैं, अबाउट 1 कप व्हीट फ्लावर। और उसके बाद उसमें मैदा ऐड करेंगे, इक्वल पोर्शन ऑफ मैदा, 1 कप ऑफ मैदा। बाद में उसके अंदर एज पर योर टेस्ट सॉल्ट ऐड करेंगे एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट शुगर ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर इनो डाल रही हूँ, आप चाहें तो यीस्ट भी यूज कर सकते हैं बट हमने इनो को यूज किया है। मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून इनो ऐड कर रही हूँ एंड साथ में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, अबाउट 1 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है। आफ्टर दैट इसको मैं मिल्क से बाइंड करूंगी, 1/2 कप ऑफ मिल्क। आपको थोड़ा सा लूज बाइंड करना है, बहुत हार्ड बाइंड नहीं करना। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मिल्क और ऐड करूंगी। एज पर रिक्वायरमेंट हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, आप थिकनेस के अकॉर्डिंगली वाटर कम ज्यादा यूज कर सकते हैं। अभी ये डो बाइंड हो गया है और मैं इसको ग्रीस करके हैंड्स को निकाल ले रही हूँ। एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे आटे को रेस्ट करने के लिए और इन मीन वाइल हम बाकी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये जो डो बाइंड करके लिया है मैं इसको ले रही हूँ और मैं उसको बहुत हम मावे को फिल कर देंगे। मैंने मावा ऑलरेडी सेट किया हुआ है, अच्छे से कुक किया हुआ मावा है। अब चाहे तो इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, मैंने शुगर नहीं ऐड किया है। और इसके ऊपर हम इलायची पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे, जहां तक वो हम व्हाइट शुगर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे, अच्छे से सील कर देंगे। ऑल साइड सील करने के बाद हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स का कोटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ आलमंड्स, आप इसको किसी भी डिजाइन और शेप में अप्लाई कर सकते हैं।
आपने देखा, ये रियली एक डिजाइनर पराठा लग रहा है और खाने में उतना ही यमी है ये। इसके बाद हम इसमें थोड़े से कैशू नट्स लगाएंगे। और बाद में हम थोड़ा सा पिस्ताचिओ लगाएंगे। इसको हम थोड़ा सा पोक कर देंगे। जिससे कि इसका एयर जो है वो पास हो जाए। अब हम इसको प्री हीटेड तंदूर में कुक करने के लिए रखेंगे। दबावी पराठा देखते हुए जितना सुंदर है उतना ही खाने में टेस्टी है, और हाँ, आपके गेस्ट को जरूर से ये पसंद आने वाला है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर अप्लाई कर देते हैं। हाँ, आप इसके ऊपर देसी घी भी लगा सकते हैं, प्योर घी लगा सकते हैं और बटर लगा सकते हैं। बटर लगाने में कंजूसी मत करिए क्योंकि ये नवाबी पराठा है। और थोड़ा सा इसको मैं हनी से ड्रिजल कर दूंगी। ये तैयार हो गया नवाबी पराठा। मेरी ऐसी ही इनोवेटिव डिशेस के लिए प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, SNS कुकिंग क्लब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।